हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। थंबनेल देख के आप समझ ही जाओगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हैंकी से फेस कवर, और मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज मैं लिंक आपको दे दूंगी। दो वीडियो मैं फेस कवर पर बना चुकी हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी और उन लोगों को बहुत ज्यादा मेरा जो वीडियो था फेस कवर वाला और हैंकी वाला वो बहुत ज्यादा फास्ट लग रहा था, तो मैंने सोचा चलिए फिर से बना दूंगी। लेकिन बोल रहे थे अलग टाइप से बनाइए, डिफरेंट टाइप से बनाइए और थोड़ा अच्छे से बताइए डिटेल में। तो मैंने सोचा बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैंने प्रॉमिस भी कर दिया था उनको जिसने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो आज ये वीडियो अपलोड होगा और मैं आपको बता दूँ बहुत ही इजीली है बन जो हैंकी है आपके पास उससे हो जाएगा कवर। और मैंने इस तरह का हैंकी लिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये हैंकी है और इससे भी फेस कवर कर सकते हो आप ऐसे ही, लेकिन एक से करोगे तो किस तरह से होगा ये मैं आपको बताऊंगी। और थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा, लेकिन तो इसमें आपको हर चीज़ मैं बताऊंगी डिटेल में, इस वजह से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है। बट ये पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोगों को समझ में आएगा, फिर आप लोग मुझसे बार बार मत बोलिएगा ये कैसे, ये क्या करना है, इसमें क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, और फेस कवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल, तो वैसे तो चल ही जाता था बट अब तो सभी लोगों को, मोस्टली सभी बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, छोटे हों, मतलब हर एज ग्रुप को चालू करना है, मतलब लगाना ही पड़ता है, फेस कवर करना ही पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आज के टाइम में। तो इस वजह से बच्चे हों तो बच्चों को भी आप आराम से इसको इजीली कैरी कर सकते हो। मोस्टली आप लोगों को क्या चाहिए कि मैंने इसमें क्या किया है, सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक तो कर ही सकते हो, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग जाए तो शेयर भी कर सकते हो फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि क्या है कि ये फेस कवर का सभी लोगों को पता चलना ही चाहिए। तो आप तो ये शेयर कर लीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर देना, और जैसे ही आप हिट करोगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा न्यू वीडियो का और आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, आपको सिर्फ मैं बताऊँगी इस तरह से कि आपको ऐसे ही बता दूंगी तो समझ जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन मैं वॉइस ओवर कर दूंगी अगर आप चाहें तो। वैसे तो देखती हूँ तो बताती भी जाऊँगी शायद अगर होगा तो, वैसे मैं मोस्टली बताती ही जाऊँगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मैंने ये पेपर लिया है और इसमें मैंने बना लिया है, ये देखिए इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। आई का एरिया होता है और फेस का एरिया होता है, तो इतना जो एरिया मैंने छोड़ दिया है ना ये वाला, तो समझ लीजिए ये नोज का एरिया छूटा हुआ है। तो आपको इसको कट कर लेना है, और कट किस हिसाब से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो कट आप जैसे भी आपको ड्रॉ करना है तो किस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि इस पर तो आप ड्रॉ कर ही लीजिए अगर आपको करना है तो, नहीं तो अगर आप इसको नहीं ड्रॉ करना चाहते हो पेपर पर तो आप इस पर भी ड्रॉ कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो चलिए मैं ये बता देती हूँ। तो इस तरह का ये हैंकी है, तो ये वाला जो कोना है ना वो इस तरह से आपको फेस पर रखना है, ठीक है। फिर ये वाली चीज है ना जो, वो इस साइड रखिएगा, और ये वाला है जो, ये आप इस तरह से बांध लीजिए, इजीली बंध जाता है, बस एक नॉट भी बांधोगे ना आप तो भी चल जाएगा। तो मैं एक नॉट ही बांध रही हूँ, और आप देख सकते हो कि इस तरह से हो गया है। एक तो मैं ये वाला आपको बता देती हूँ कि ये कैसा बांधना है। तो आपने ये देखिए पूरा हेयर भी कवर हो जाता है इसमें, और आपका फेस भी कवर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं रखना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको इजीली ऊपर कर दीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, ये देखिए, और इसको इसी तरह से नॉट रखने दीजिए, बस बंदी रहने दीजिए, और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। और जो ये एरिया बच जाता है ना, इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से ये हो गया। आपको सेकेंडली उस तरह से तो बनाना ही है, लेकिन अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, दो हैंकी बनाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं कट तो मत कीजिए, लेकिन फिर उसके बाद आप दूसरा हैंकी ले लीजिए और इसको ट्रायंगल कर लीजिए। ट्रायंगल हो गया ये देखिए, ठीक है। तो ये ट्रायंगल होने के बाद आप इस तरह से लीजिए,
और तो ये बहुत अच्छे से और उसके बाद तो फर्स्ट तरीका मैंने आपको बता दिया है और सेकेंडली अब आपको मैं बताने जा रही हूँ ये तरीका जो कि ये है ही। तो ये देखिए मैंने पहले से ही बांध रखा है और ऊपर वाला जो था ना हैंकी वो हटा दिया है। तो आप इसको इस तरह से रख लीजिए और एक स्केच ले लीजिए, चाहे तो आप पेन ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए। और उसके बाद आप क्या कीजिए, ये जो आईज है ना यहाँ पर इस तरह से आप डॉट बना सकते हो। फिर आप इसको कट कर लीजिए, चाहे तो आप पहले इसको कट कर लीजिए उसके बाद आप ऐसे रखकर इसको कट कर सकते हो। तो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, पहले इसको कट करूंगी फिर उसको कट करूंगी ताकि अच्छे से आ जाए। तो इस तरह से मैं कैंची लूंगी और इसको मैं कट कर रही हूँ। तो सेकेंडली ये वाला बता रही हूँ मैं, तो इधर से ये देखिए, तो इस तरह से मैंने इसमें ऐसे डाल के इस तरह से कैसे भी आप काट लीजिए, कोई भी शेप दे दीजिए आपकी चॉइस है। तो मैं ये कट कर लेती हूँ, एक बता देती हूँ आपको कट करके, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ऐसा ही आपको सेकंड कट, तो ये देखिए फ्रेंड मैंने कट कर लिया है इस तरह से। और मैंने कोई भी इससे पहले वीडियो इस तरह का नहीं बनाया है, सीधा सीधा मैं कट कर रही हूँ, सीधा आप लोगों को दिखा रही हूँ बस। तो ये देखिए अब ये कट हो गया, तो अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप थोड़ा छोटा काटिएगा, मैंने थोड़ा बड़ा कट कर दिया है और मैंने माउथ का बेकार में ही काटा, नहीं काटती तो भी चल जाता, बट कोई बात नहीं, काट दिया तो काट दिया। आप चाहें ऐसे ही रखना तो आप ऐसे भी रख सकते हो। तो बस इस तरह से आप ऐसे लगा लीजिए, और नहीं अगर आपने इसको कट नहीं करना है तो आप ऐसे भी रख सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि आपने अगर इस तरह से कट कर लिया है तो ये तो मैंने कट कर दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपके पास एक और हैंकी है तो ये हो गया फर्स्ट। अगर माउथ नहीं काटे तो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सेकेंडली ही मैं बता रही हूँ आपको कि इस तरह से आपको रखना है, और ये छोटा ही साइज काट लीजिएगा, मैंने थोड़ा बड़ा काटा है बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ये इस तरह से आ जाएगा, लेकिन इतना टाइट तो नहीं होने वाला था, बट चलिए कोई बात नहीं, बट नॉट अच्छे से बंध गई है तो आप ये ना काटें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो सेकंड हो गया है ये, और नहीं तो अगर आपने ये भी काट लिया है तो आप इसको इस तरह से, ये थर्ड हो गया है, ठीक है ना, ये हो गया थर्ड, आप इस तरह से रख सकते हो। बहुत अच्छे से ये कवर हो जाता है, आपका हेड भी कवर हो जाता है इससे, माउथ भी कवर हो जाता है, और ये अच्छे से, तो ये थ्री लेयर वाला हो गया, ठीक है ना, लेकिन बहुत ही अच्छा है, कोरोना होने का तो बिल्कुल भी चांस नहीं है।
और आप इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हो। तो आई होप सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन आएगा फ्रेंड्स, तो उसको भी हिट कर दीजिएगा। और थोड़ा सा ये टेढ़ू मेढ़ू हो गया है, बट कोई बात नहीं, मुझे मैं इसको ठीक कर लूँगी। अगर आप इस तरह से नहीं बांधना चाहते हो ना, तो आप इस साइड से भी फिर से कर सकते हो, बट नहीं तो ये इस काम में तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसे तो चलता ही है। और बहुत अच्छे से आप माउथ का एरिया जो है ना वो मत काटिएगा, मैंने काट दिया था, बट कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ आई की ज़रूरत थी क्योंकि आई दिखे। बट ये है कि मैं पूरा आपको फेस कवर करके आपको दिखा दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं यार आपको समझाने के लिए ना, इतना पेपर और हैंकी भी थोड़ा सा, मतलब एक बन हैंकी से आप किस तरह से फेस कवर कर सकते हो ये मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब अगर आप चाहें तो माउथ एरिया मत काटिएगा, बस आई एरिया बस दो ही काटिए, सिर्फ आई का एरिया, और फिर चश्मा लगा लीजिए बहुत अच्छे से, गॉगल लगा सकते हो आप, तो बहुत ही अमेजिंग लगेगा और सब लोग सोचेंगे बहुत अच्छे से कवर किया है और बिल्कुल पूरा बंद है। तो आपका जो बालों का जो एरिया होता है ना, हेयर का हेड एरिया, तो आपके बाल भी सिक्योर रहेंगे, मतलब डैमेज नहीं होंगे धूप से, और सिक्योर भी रहेंगे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और धूल मिट्टी भी नहीं जाएगी। तो इस तरह से आप बांध सकते हो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और आई होप सो आप लोग पसंद आया हो ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर भी कर लीजिएगा फैमिली मेंबर्स साथ, और भर भर के कमेंट करिएगा, और प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिए मुझे, बहुत सारा, मतलब सब्सक्राइब करके यार मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेट करिए, मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो आप, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा पर्सनली, क्योंकि यार बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ। चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू, और हाँ, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।